सितंबर का अंतिम दिवस ही देश देशांतर के महिपाल आज यहां पर एकत्रित थे। मिथिला के परम प्रिय सेवक कहे महाराज आज आवश्यकता है महाप्रभु गुरु की, गुरुदेव भगवान की आज आवश्यकता जान पड़ती है। चाहते तुम गुरु सदन चले जाओ, गुरु सदन जाओ और गुरुदेव भगवान को आदर के साथ लेके आओ, यही आदेश है तुम्हारे लिए। जाओ जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राम 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 तपोनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ मम विरोध के प्रेता पूज गुरुवर, आपके श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकृत हो। स्वीकार करें हमारा प्रणाम सर्वप्रथम आपके चरणों की वंदना करते हुए। आज स्वीकारें हमारा प्रणाम आपके श्री चरणों में। महाप्रभु आपके श्री चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकृत हो, स्वीकार करें। राजेंद्र सेवक के द्वारा बुलवाया है, बुलवाते ही प्रणाम कर रहे हो। वैसे भी प्रणाम का प्रतिफल तो आशीर्वाद ही होता है। इस संसार में यदि हम शिष्टाचार के नियम में किसी से राम राम करते हैं या नमस्ते करते हैं तो उसका उत्तर केवल उसी रूप में प्राप्त हो जाता है। लेकिन यदि वही व्यक्ति किसी को प्रणाम करे तो प्रणाम का प्रतिफल केवल आशीर्वाद होता है और प्रणाम करने मात्र से ही व्यक्ति को चार चीजों की प्राप्ति राजन सहज में हो जाया करती है। वह प्रणाम करने वाला संसार में चाहे जो भी व्यक्ति हो, अभिवादन शीलस नित्यम वृद्धे पिसेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। यदि कोई प्रणाम करता है तो आयु विद्या यश और बल चार चीजों की प्राप्ति हो जाती है। प्रणाम करवाने वाला व्यक्ति चाहे आशीर्वाद स्वरूप कुछ ना भी कहे सो तुमने अर्जित कर लिया। लेकिन फिर भी तुम्हारे जीवन पर दृष्टिपात करता हूं तो राजन मुझे यह कहीं से नहीं लगता कि तुम्हारे जीवन में अब किसी वस्तु की न्यूनता है, क्योंकि इस संसार में तुम्हें जनक कहा जाता है और जनक कोई नाम नहीं, जनक कोई नाम नहीं है, जनक तो एक पद है, एक उपाधि है जो तुमने अपने निज कर्मों के माध्यम से अर्जित की है। इस संसार में तुम्हें अष्टांग योगी भी कहा जाता है श्रद्धज, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार योग ध्यान धारणा समाधि, ऐसे आठों अंगों पर विजय प्राप्त करने वाले केवल आप ही एक ऐसे नृपाल हैं जिसे इस संसार में जनक कहा जाता है। तुम्हारे जीवन में किसी भी वस्तु की न्यूनता नहीं है। जब न्यूनता नहीं है, प्रणाम किया है तो अवश्य ही हम तुम्हारे लिए और तुम्हारे इस राष्ट्र के लिए हमारे हृदय के उद्गार कहते हैं राजेंद्र। परवाह नहीं ये मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सादा रहे नहीं मिले जग के वैभव, पर जीवन में सुख सादा रहे। कबीरा मुना चाहिए, कबीरा मुना चाहिए,
कबीरा मुना चाहिए इन विभूतियों को परिभूषित गृह द्वारा रहे अरमान यही निज पूर्वजों के यह भूजल बस सितारा रहे हम रहे या ना रहे इस जग में आशीष यही हम ऋषियों का यह देश स्वतंत्र तुम्हारा रहे यह राष्ट्र स्वतंत्र तुम्हारा रहे। अखंड कल्याण हो महामंगल हो बुलवाने का कारण जानना चाहते हैं। क्यों नहीं महाप्रभु, आप तो देख ही रहे हैं कि ये देश देशांतर के महिपाल आज यहां पर एकत्रित थे। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस है, 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके इस कार्य को चलते चलते, परंतु महाप्रभु वो गादी नंदन महामुनि विश्वामित्र जी का पदार्पण इस रंगशाला के मध्य में नहीं हुआ है, सेवक की लालसा है। आप मेरे पथ प्रदर्शक बनकर के महामुनि विश्वामित्र जी के पास जाएं और सर्वप्रथम उनके चरणों में हमारी ओर से वंदना कहें और कहें भगवान हमारी ओर से भगवान आर्य मुनि से वंदना ये ऋषि से हाय मुनि से प्रार्थना कहेगा ऋषि से याचना कहेगा हमारी अंतिम दिल स्वयं मरता ये अंतिम दिल स्वयं मरता और ये सभी महिपाल आए हैं ये सभी महिपाल उठाने जा पुसंग करता उठाने जा पुसंग करता
नहीं मेरी बिना यही मेरी बिना स्वामी ये ऋषिवर को पता देना मुनि से पल देना कहना ऋषि से प्रार्थना कहना अगर मैं आपसे कह दूं कि आप अकेले महामुनि विश्वामित्र जी को ले आए तो ना महाप्रभु उनके साथ में 60,000 ऋषि समुदाय साथ साथ में दोनों राजकुमार जिस समय मेरी रंग अवनी पर आवे तो किस प्रकार से लाना है आप श्रवण करें। मनोहर मन हरे जाती मनोहर मन हरे जाती ये दिखावे रंग अवनी बे ये दिखावे रंग ओ सही दोनों सहित दो दो कुमारों के सहित दो दो कुमारों के पधारे रंग अवनी बे वो आवे आवे रंग ओने यही अंतिम बिना यही अंतिम मपदानी पद गमरे ससर गम मेरी बिना ये हमारी बिना हमारी विनय हमारी विनय हमारी विनय हमारी ऋषिवर के चरणों में ये मेरी विनय हमारी विनय हमारी विनय हमारी विनय से बल देना कहना किसी से प्रार्थना कहना किसी से बल देना कहना मुनि से प्रार्थना क्यों नहीं राजेंद्र तुम चाहते हो कि तुम्हारी इस रंगवनी में महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन हो अवश्य ही तुम्हारी इस विनय को हम उनके श्री चरणों में प्रस्तुत करेंगे आप जाएं उनके स्वागत की भव्य तैयारियां करें हम जा रहे हैं और आपके विनय को प्रस्तुत करेंगे जाएं राम